हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम बंद गोभी और मटर की सब्जी बनाएंगे। बंद गोभी को पत्ता गोभी भी कहा जाता है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बहुत सिंपल से तरीके से हम इसे बनाएंगे। और बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। देख लेंगे इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्जी बनाने के लिए 400 ग्राम पत्ता गोभी ली है और 400 ग्राम हरे मटर लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और 1 चम्मच लहसुन, इसको कूट लिया है। धनिया की पत्तियां गार्निश के लिए। 2 मीडियम साइज के टमाटर, इसको टुकड़ों में काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली है। प्याज का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें 1 बड़े साइज का प्याज डाल सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दिया है। 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दें। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, आधा चम्मच जीरा लिया है वो डाल देंगे इसमें। जीरे को हल्का सा भून लेंगे। अदरक डाल देंगे और कुटा हुआ जो हमने लहसुन है 1 चम्मच वो भी डाल देंगे। भून लेंगे इसको 1.5-2 मिनट के लिए। लहसुन और अदरक हमारा भून गया है। हरी मिर्च डाल देंगे, 2 बारीक कट के रखी हमने, और 2 टमाटर। मिक्स कर देंगे और टमाटर को नरम होने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए टमाटर हमारा अच्छे तरीके से पक गया है और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच नमक लिया है, नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। जब मसाले डालें जब भी कभी आप, और गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पे कर दें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि घी इससे अलग नहीं हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। 1.5 से 2 मिनट लगे इसे भूनने में और अब हम इसमें हरे मटर डाल देंगे। अच्छे से हिला देंगे इसको और 1 मिनट के लिए इसे हम मसाले में ही भून लेंगे। मटर हमारे भून गए हैं, अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस हम मीडियम पे रखेंगे और इसे हम ढक के अच्छे से पका लेंगे। आइए चेक करते हैं, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है बनके और इसे 13 से 14 मिनट लगे बनने में। और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। गैस हम बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इसे। लीजिए, बंद गोभी और मटर की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। आप इसे रोटी के साथ, परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं।
बच्चों को टिफिन के लिए बना के इसे पैक कर सकते हैं। इसी तरीके से बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।